A very, very, very warm good morning, my dear children. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedantu Biotronic, I welcome you all to today's class. Yes, everyone, good morning, good morning, good morning. Before I move ahead, let me once again officially welcome you to the NCRT or to the topper batch. And in today's class, we are going to be focusing on the NCRT. Yes. गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, वेदांत बायोटॉनिक पे आपका तहे दिल से बहुत प्यार से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं बॉटनी मॉड्यूल। तो अगर आपने देखा होगा, आई एम अल्टरनेटिंग, डिड यू सी, एक दिन लिविंग वर्ल्ड, एक दिन बॉटनी, ताकि बॉटनी जूलॉजी दोनों एक साथ चले। यू गाइज वॉन्ट टू बिकम टॉपर्स, तो हासिल तो करना ही पड़ेगा, राइट? और फ्राइडे गांधी जयंती के दिन भी छुट्टी नहीं है, गांधी जयंती के दिन भी आपको पढ़ाया जाएगा। आपके लिए कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। तो जैसे मैं कई लोगों का देख रही हूं, उन्होंने अपने नाम के आगे टॉपर बैच लगा दिया है, वी बायोटॉनिक टॉपर बैच। डू दैट बिकॉज इट विल रियली गिव यू अ लॉट ऑफ जोश, एंड टुडे स्लाइड्स आर जस्ट अमेजिंग। आप दो चीजों पर फोकस करो, क्लासेस डेली होंगी, ऑर्डरली तरीके में होंगी, एंड यू फोकस ऑन टुडेज क्लास। इतनी डिटेल में स्लाइड्स बनी है, प्लीज स्टार्ट राइटिंग नोट्स साइड बाय साइड। प्लीज इमीडिएटली ओपन योर कॉपी, स्टार्ट एंड मेक नोट्स साइड बाय साइड। द क्लास इज मेड इन अ लॉट ऑफ डिटेल, यू विल नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग। डन, यू विल रियली, आपको मतलब मैं इतनी स्लो एंड स्टेडी जाऊंगी, ऐसा नहीं done, finish. Everything is done in a very stepwise manner. You will understand everything. Let's get going. But before I move ahead, make sure आपने कर दिया है like, आपने कर दिया है share, और आप सब के सब मेरे प्यारे बच्चों ने कर दिया है subscribe. Right मेरे प्यारे बच्चों, चलिए let's move ahead. So let's go ahead. Let's like, let's share, let's subscribe. Leave behind a comment. Tell us how are you liking the lectures. And guys, if you want to get in touch with us, if you have any problems, personal, professional, anything which is preventing you from studying, remember we at Vedantu, we at Vibiotonic are always with you. So make sure you get in touch with us on the Telegram group of Vedantu _ Biotonic. मुझे पता है कि इस Telegram group में आप type नहीं कर सकते, but I am the admin of this group and you can get in touch with me and you can let me know if you have any problems whatsoever. So the botany modules are very important. Quickly let's move ahead. यहाँ तक मुझे आपको लेके जाना है. All of these are students who've studied with us and I want to make sure that you all reach here the absolute pinnacle of success. सेशन के, आज के सेशन के पीडीएफ जरूर ले लेना, बिकॉज यू वुड हैव नॉट सीन इतने डिटेल में कोई भी लेक्चर। सो फर्स्ट वी विल डू द थ्योरी एंड देन वी विल डू ओवर 20 क्वेश्चंस ऑन इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस जैसे मैंने फ्लावर को आपको 4 पार्ट्स में करवाया था, सो दैट ऑल द वर्ड्स अबाउट द फ्लावर आर क्लियर टू यू। आप देखिए, मैंने आपको फ्लावर 4 पार्ट्स में करवाया था। डू यू रिमेंबर दैट? आपको याद है? अगर मैं प्लेलिस्ट 4 पार्ट्स, वैसे इनफ्लोरेसेंस भी मैं आपको मल्टीपल पार्ट्स में करवाऊंगी, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई विल आवाज कहां से आ गई? राइट, तो अगर आप देखेंगे, ये मैंने फ्लावर आपको फ्लावर पार्ट 1, फ्लावर पार्ट 2, फ्लावर पार्ट 3 एंड फ्लावर पार्ट 4 आज इनफ्लोरेसेंस है। सिमिलरली मैं इनफ्लोरेसेंस भी आपको मल्टीपल पार्ट्स में करवाऊंगी। सारी प्लेलिस्ट अपडेटेड है, प्लीज सी बॉटनी मॉड्यूल प्लेलिस्ट। आप देखिए क्लास 11 की प्लेलिस्ट है ये बॉटनी मॉड्यूल, सब कुछ। इनफ्लोरेसेंस ऑल्सो आई एम गोइंग टू डू इन मल्टीपल प्लेलिस्ट, सो दैट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ बॉटनी यू विल बी एबल टू आंसर। प्लीज जिन्होंने नहीं देखा एक बार देख लीजिएगा, फ्लावर पार्ट 1, फ्लावर पार्ट 2 एंड फ्लावर पार्ट 3, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट, राइट? चलिए, एंड आज के सेशन के नोट जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आफ्टर द क्लास आई विल गो एंड डू अ कंप्लीट मेंटी, विच आई ऑलवेज डू, बट फर्स्ट लेट्स कम टू इनफ्लोरेसेंस, राइट? What is inflorescence? Inflorescence in very simple words is a group of flowers, right? So the flowers are usually very small. Aap sabne gobi dekhiye, full gobi, we've all eaten it, cauliflower, full gobi. That also is an inflorescence. So inflorescence is an arrangement of flowers. Inflorescence is a group of flowers. Whenever there is a group or an inflorescence or an arrangement of flowers, that is referred to as the inflorescence. Why are they arranged together? Solitary क्यों नहीं है?
अरेंज टुगेदर क्यों है? व्हाई आर दे नॉट सॉलिटरी? व्हाई आर दे अरेंज टुगेदर? दे आर अरेंज टुगेदर टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स, राइट काम? व्हाई इज द फ्लावर इवन देयर? है ही क्यों? फ्लावर क्यों है? पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए. इट इज मेंट टू अट्रैक्ट द pollinators. Did you understand this? Now, why should the pollinators be attracted? Because the pollinators are the ones which will come, and when the pollinators come, the flower will turn into a fruit. So, pollinators ko attract karna. Individually, they are very, very small. Look at this. Individually, they are very small. They will never be able to attract a pollinator. But when they are grouped together, they become big, which gives them the power to attract a pollinator. So the arrangement of flowers on the floral axis or the shoot system, when they are grouped together, is referred to as a inflorescence. There are certain terms which are very, very commonly asked MCQs when it comes to inflorescence. I will do racemos today. I will do cymos tomorrow. We will do the entire part in a very, very systematic way. Main axis or stalk, जब एक सिंगल सॉलिटरी इनफ्लोरेसेंस है, सॉलिटरी एक सिंगल, उसका जो मेन एक्सिस और स्टॉक है उसका नाम होता है पेडंकल. तो इनफ्लोरेसेंस का स्टॉक, द स्टॉक ऑफ द इनफ्लोरेसेंस, द स्टॉक ऑफ द इनफ्लोरेसेंस, नॉट ऑफ द फ्लावर, नो 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 नो, ऑफ द इनफ्लोरेसेंस. यस, इट इज रेफर टू एज पेडंकल. बट इंडिविजुअल फ्लावर्स भी तो होंगे, इंडिविजुअल फ्लावर्स भी तो होंगे. तो अगर आपने मेन एक्सिस को पिडंकल कह दिया, व्हाट आर यू गोइंग टू कॉल द इंडिविजुअल फ्लावर के स्टॉक्स? द इंडिविजुअल फ्लावर स्टॉक्स आर गोइंग टू बी कॉल्ड द पेडिसल. डिड यू गेट द डिफरेंस बिटवीन पिडंकल एंड पेडिसल? यस, अंडरस्टूड? Yes, my lot of my videos are there on the app, my dear children. So it is pedicel. Here it is sessile. So pedicel is not visible, right? If it is sessile, it will not have a pedicel. A long, simple or branched peduncle. Agar peduncle ki aage branching ho gayi. Peduncle is multiple peduncles. It's called the rashes. What is it called? The rashes. A branched peduncle. Right, everybody? So I repeat again, the main axis or stalk of the inflorescence is called the peduncle. The stalk of an individual flower is called the pedicel. If the peduncle gets branched, it's called the rashes. Now, the base on which the flower usually grows, it's the base. Right? Flattened peduncle, जिसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग flowers उग रहे हैं, all of them are flowers. But the base has become swollen. So if the base of the peduncle becomes dilated or flattened, ये peduncle ऐसे होने की बजाय ऐसे हो गया, ऐसे, और इस पे खूब सारे flowers लगे हुए हैं. That is called a receptacle. Very good, Arshita. It is getting receptacle. And remember, you have to get better day by day. Every small day of efforts. Ye sare words aayenge. Write these words down. Remember the words and you will do very well. Right? Now, that's called a receptacle base. Now, the stage or platform on which the floral parts are situated. Dekho, jaise apple mein thalamus is edible. So, एक एक फ्लावर का जो पार्ट है, द बेस ऑफ द फ्लावर, एक एक फ्लावर जिसपे लगा है, सी द बेस ऑफ द फ्लावर, द बेस ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द थैलेमस. द स्टेज और प्लेटफॉर्म ऑन विच द फ्लोरल पार्ट्स आर सिचुएटेड इज कॉल्ड द थैलेमस. सो दीज आर द टर्म्स, पेडंकल, पेडिसल, रैशेस, रिसेप्टिकल एंड थैलेमस. Now we are going to move ahead to the types of inflorescence. After we move ahead to the types of inflorescence, any one type of inflorescence we are going to be doing in detail. Let me give you a very easy way to remember it. What does the word race mean? The word race means daud lagana, race. Race ka matlab hota hai run. Uska matlab hota hai to never stop bhagte rehna, to never stop.
ग्रो करना, आगे बढ़ना, दैट इज रेस. आप वर्ड रेस पढ़िए, इनफाइनाइट. पिक अप द वर्ड रेस, रिमेंबर द वर्ड रेस, यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स इन रिमेंबरिंग इट. सो जहां पर भी वर्ड रेस आएगा, रेस मीन्स टू रन, राइट? रेस means to go ahead, race means to keep on running or keep on growing, very easy to remember run. So jahan par ye main axis grow karta hi rahe, where the main axis continues to grow because it is running, easy to remember. The main axis is running. I will explain acropital, I will explain basipital to you, right? Aaj ke baad confuse hona hi nahi exam mein. Race matlab wo bhagta ja raha hai, matlab main axis is running. Jaise kisi ne race kaha, and I will show you such beautiful diagrams of racemos inflorescence, aap dekhte reh jaoge. It will enter your subconscious mind today, let me tell you, right? So jab wo unlimited growth dikha raha hai, it is showing unlimited growth. It is growing and growing and growing, right? So that is the racemos. Upar niche flowers hai. And why is it growing? Because the bud is on top. Bud. By the way, this is aloe. The flowers are below. The bud is on top, which is called as acropetal. The flowers are below, the bud is on top. Mustard, brassica, I will show you all of them in a lot of detail. Got it, everybody? So, de do ek like, jis ko samajh mein aa raha hai. Come on, everyone. Yes, everyone. Perfect. Aa jaiye idhar. Cymose type of inflorescence. Dekho beta, yahan par ye main axis aur terminate ho gaya. साइमोस मेन एक्सिस, मेन एक्सिस यहां पर टर्मिनेट हो गया. इसके ऊपर कैन यू सी एनी ग्रोथ? इसके ऊपर एनीबडी, आई एम मेकिंग अ क्वेश्चन मार्क, इसके ऊपर कैन यू सी एनी ग्रोथ? टेल मी, कैन एनीबडी इन माय क्लास रेज योर हैंड्स? मैम इसके ऊपर भी मुझे फ्लावर दिख रहा है, इसके ऊपर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, कैन यू सी? नो मैम. यहां पर तो इट विल कीप ऑन ग्रोइंग, इट विल कीप ऑन ग्रोइंग. यहां पर द मेन एक्सिस हैज टर्मिनेटेड, the main axis has limited growth, the main axis has terminated at this particular point. That is the meaning of cymose. It has terminated. Did you understand, everyone? Right? The main axis does not grow continuously. The main axis has terminated. Is that clear? Is that clear? It is terminal. Terminal का मतलब होता है end. Unfortunately, एक word होता है terminally ill patient. Terminally ill patient उनको कहा जाता है जो 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 they're not going to live anymore. Yes, वो end है. पर यहां पर ये ग्रो करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा. यहां कंटिन्यूअस वर्ड है, यहां टर्मिनल वर्ड है. वर्ड्स देखो प्लीज, यहां है कंटिन्यूअस और यहां वर्ड है टर्मिनल, राइट? तो आपके जो न्यू फ्लावर्स हैं वो बेस में है, ओल्ड फ्लावर्स टॉप में है. द न्यू फ्लावर्स आर टुवर्ड्स द बेस, हियर द न्यू फ्लावर्स आर टुवर्ड्स द टिप, एपेक्स, दैट्स व्हाई इट्स एक्रोपेटल. द न्यू फ्लावर्स आर टुवर्ड्स द बेस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज बेसिपिटल. यस मैम, हां जी मैम, डन डन डन. बायोटोनियंस नॉटी बच्चों, कर दो यस, बोलो आया समझ में? हाथ बनाओ, चलो आ गया समझ में एवरीवन? चलो बढ़िया है, आ गया समझ में? ऑसम ब्लॉसम हो गया. चलो फिर इसी के साथ आगे बढ़ा जाए, ठीक है? रेसिमोस साइमोस. अब मैं आपको पूरे डिटेल में रेसिमोस और साइमोस समझाऊंगी, पूरे डिटेल में. पर आपको मुझे कल की तरह एक और प्रॉमिस कहना है, अगर कोई ड्रॉपर कहेगा ना तो वो लेक्चर छोड़ देना. Yes or no? मेरे बच्चों को कोई ड्रॉपर नहीं कहेगा. My kids are absolute toppers, और that is why this batch is the topper batch. This batch will make sure that you have the next year toppers coming from this batch. अगर किसी ने ड्रॉपर बोल दिया ना मुझे, तो वो बैच छोड़ देना.
Done, done, done. Awesome, blossom. Chaliye, इसी के साथ let us move ahead. Let me also tell you that we also have a topper batch which is running in Vedantu. I will tell you much, much, much more about it. Yesterday we launched on 28th, we launched a new topper batch. There were 250 students, all of them are from V Biotonic, and they've already started to study PCB. Naya batch hum launch kar rahe hain 12th October ko, to agar aapko tab tak lagta hai that I need help in physics and chemistry, I need to give tests, I need to do doubts solving, I need to revise, mujhe micro courses ki help chahiye, make sure aap VD Pro code laga kar. Yes, ye VD Pro jo code hai aap chale jaiye VDIT.in/YT Pro pe, aur VD Pro code laga kar, please join the dropper batch. Yes, everyone, usko please join kar lijiye. It will really help you. Chalo, aage badhte hain. Racemose inflorescence pe jaya jaye. Ab racemose jo inflorescence hai wo main puri ki puri aapko aaj detail mein karwati hu. Correcto, perfecto, giletto, willetto, aa jao. Racemose, what are the main characters of racemose inflorescence? Growth of the main axis or pedal. Jo main axis hai na, वो बढ़ता ही चला जाएगा इनडेफिनेट ग्रोथ. देखो ये वर्ड्स आते हैं, ये वर्ड्स आते हैं, इनको लिखो एग्जाम में, याद करना. इनडेफिनेट ग्रोथ ऑफ द एक्सिस, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस. कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द एक्सिस, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस. बट एट द टिप और द टर्मिनल इज अ न्यू फ्लावर और अ बर्ड, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस. सो वेर एवर यू राइट रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस इन योर कॉपीज, राइट डाउन इट इज इनडेफिनेट, इट विल कीप ऑन ग्रोइंग. Write down it is continuous, and write down it is a bud. So the bud is right there on the tip and it keeps on growing. The peduncle seldom, seldom is a word rare. Kabhi bhi peduncle flower mein terminate nahi karta, kyunki end mein kaun hota hai, terminal mein kaun hota hai, end mein aur terminal mein hota hai bud. बट तो अगर राशि बेन ने पूछा कि रसोड़े में कौन है, तो आप कहोगे रसोड़े में रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस है जिसके एंड और टर्मिनल में बड है. यस, मेरे प्यारे बच्चों, सो राशि बेन को जवाब दे दीजिए कि रसोड़े में कौन है. रसोड़े में रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस है. क्यों? क्योंकि रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस के एंड में और टर्मिनल में एक बड होता है, फ्लावर नहीं होता. करेक्ट. पेडंकल इज मोनोपोडियल. देखो ऐसा नहीं होता कि यहां से एक नया निकल रहा है, यहां से सिंगल ग्रोथ एक्सिस है. व्हाट इज इट? सिंगल ग्रोथ एक्सिस. जहां पर भी सिंगल ग्रोथ एक्सिस है इसको कहते हैं मोनोपोडियल. यस. अच्छा, राशि बेन ने कोकिला ने पूछा था. ओ सॉरी, I don't watch television. I'm sorry. That's my bad. Kokila ko bata denge. Yes. I don't watch television at all. I was just going through some random internet memes and I found this. Right? Aa jaiye. Right, mere pyare bachcho. To first form jo flowers hai wo kaha hai? They're always at the base. These are flowers. These are flowers. So what is there right at the tip? You have the buds. You have the buds, you have the flower, you have the buds. Is that clear? Is that clear? Is that clear? Flowers are born laterally in acropetal succession. That is, older flowers are at the base and younger ones are at the tip. But young wala tip pe hai, old wala base pe hai. That is called as acropetal succession. Or they are also arranged in centripetal. What is centripetal? Younger flowers in the middle, older flowers are at the, you know, corner. Young, old, 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 old. Right, periphery. And newly flowers formed fruits are not protected by flowers. Is that clear? Young ones are in the middle, old ones are towards the side. Chaliye, to isi ki main aapko various types of racemose inflorescence karati hu. Such beautiful diagrams, you will never ever forget them. Right? This is called the shaft flower. Amaranthus, jisko Hindi mein cholai kaha jata hai. Kitne bachcho ne ye word suna hai, cholai?
राइट, जिसको इंग्लिश में जोसेफ्स कोर्ट कहा जाता है, जोसेफ्स कोर्ट, बिकॉज इन क्रिश्चियनिटी देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड जोसेफ हु हैड अ वेरी ओल्ड कोर्ट. सो जोसेफ्स कोर्ट इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें मल्टीपल कलर, जैसे कपड़े को सिलकर कोई कोट बनता है, इट्स कॉल्ड द जोसेफ्स कोर्ट, इट्स कॉल्ड चोलाई. राइट, जस्टिका एडहोटोडा, मालाबार नट कहा जाता है, शेफ flower, this is your chaff flower, long pepper, piper longum, all of these are spikes. Spike ka matlab kya hota hai? Spike matlab ye, dekho ye spike hota hai, ye spike, this is a, to aapko dikhai de raha hai, ye aisa hi to hai, grow karta ja raha hai bas, grow kyun kar raha hai, why is it called a spike? Because these are the buds and these are the flowers, so it's continuing to grow like a arrow. ये एक arrow की तरह grow करता जा रहा है. That's why it's called a spike. Did you understand that? Right, everyone, my dear children. So you have piper which comes. It is unbranched, right? It is indeterminate because the bud is at the tip. And the bud at the tip makes it grow, 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 grow. The flowers are sessile. They do not have a pedicel. Right? So you have amaranthus, jiska naam cholai hai. Joseph's coat. Right, everyone? Cholai, you mother must be knowing, it's a green leafy vegetable. Justicia, Malabar nut and piper. These are very, very, this is how the flowers of cholai look. I will show you in the next class a live example of cholai. Right, everybody? So you remember cholai as an example of the spike. Let's come to spikelets. Agar aapko ye word samajhne hai, that's how you will remember botany. You will not have to buy hard botany. If you have a pig, right, everyone? You have a pig. So what are the baby pigs called? They are called piglets. Right? This is in English. What do you have? A mama pig or a papa pig? What are the baby pigs called? You see, what is a Peppa Pig? Peppa Pig happens to be one of my favorite cartoons. What's a Peppa Pig? Peppa Pig is a piglet. How many of you like Peppa Pig? I find him very cute. Like, I find Peppa Pig very, very cute. Yes? So, Peppa Pig is a piglet. So, piglet means a small pig. Right? This is in English word. It stands for small pig. So, what can the small spikes be called? What's a spikelet? They are the small spikes. Did you understand how? Why are we calling it spikelet? Did you understand that, everyone? Why did I call it spikelet? I called it spikelet because they're small spikes. It's not the big spike, it's the small spikes. Did you get that point, everyone? So the inflorescence is a small spike, not as big as a big spike. Correct? Whose birthday is it today? Vedanta Biotonic for Neat Ma'am, today is my birthday. Madhu Sailesh Sasmal, very nice. So proud of you. You know, you will make your parents proud. I'm already so proud of you and wish you a very happy birthday. Right? So these are the small spikes with branched central axis. Ye dekhi, ye central axis hai. एक यहां आ गया, ये सेंट्रल एक्सिस है मान लीजिए, तो इसकी ब्रांचिंग दिखाती हूं. देखो, ब्रांच, ब्रांच, ब्रांच. डिड यू गेट द ब्रांचिंग? सेंट्रल एक्सिस से ब्रांचिंग दिख रही है आपको? दिख रही है आपको सेंट्रल एक्सिस से ब्रांचिंग? फ्लावर्स आर सेसाइल और अगेन एक्रोपिटल. सो व्हाट इज दिस? बड. व्हाट इज दिस? फ्लावर. And what are the coverings? देखो अभी अगर आप अभी ध्यान से देखोगे तो एक single इसकी coverings होंगी, right? Bracts जो होते हैं ना wheat में होता है, very very important. इसके जो bracts होते हैं, bracts जो protect करते हैं, bracts, the bracts are board shaped and they are called glumes. What are the bracts called? Bracts बहुत protective होते हैं. जैसे मैंने आपको bougainvillea में दिखाया था flower में, very important. The bracts are called as glumes. Right? So anther, filament, stigma, style है. Correct? So bracts का नाम glume. अगर अब आप एक इस flower को लोगे ना, तो flower का भी दिख रहा है ये protective covering. देखिए please. देखिए ये फ्लावर की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इनफ्लोरेसेंस की प्रोटेक्टिव कवरिंग है. दिख रही है आपको ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है. दिस इज कॉल्ड द पेलिया.
The palia is the protective outer sheath or covering. It's called the palia. This is very, very important. अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोग रूरल एरिया से जो आपने देखा है ऐसे ऐसे करके वीट के दाने निकालते हैं? Have you seen that? It's called thrashing. आजकल तो बहुत बड़े बड़े थ्रैशर्स आ गए, but have you seen ऐसे ऐसे करके वीट के दाने निकाले जाते हैं? Say yes ma'am, we've seen it बचपन में. We do like this. So that is you break the palia to remove the seeds. That's called the palia, the coverings. The coverings, the individual coverings are called the palia. What are they called? The palia. And this bract is called the gloom. So gloom and palia are very important. It happens in paddy, rice, wheat, barley, sorghum, right? All of them. Spikelets. Because they're small, 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 small ones. That's why it's called a spikelet. Yo everyone, you've seen that? Perfect. Let's move on to the next one. I will also show you mango. You'll be so surprised. This is something which I'm 110% sure. How many of you are from Kerala, Tamil Nadu, Karnataka? Koi hai? How many of you are there from those areas? Aapne ye dekha hoga. Koorg se koi hai? Anybody who's from Koorg? Correct? Piper nigrum. Piper nigrum. कोई कूर्ग से है तो पक्का ये सब देखे होंगे. ये दिस इज वेरी वेरी कॉमन इन पेपर कर्नाटका. यस केरला कर्नाटका पाइपर नाइग्रम. इट इज कॉल्ड कैटकिन जो ऐसे हैंग करता है. इट्स कॉल्ड दिस कैटकिन पेंडुलस लाइक अ पेंडुलम. यू सीन पेंडुलम ऑफ अ वॉच ऑफ अ क्लॉक. यू सीन दैट पेंडुलम लाइक दिस पेंडुलम. सो द इन्फ्लोरेसेंस इज हैंगिंग. क्यों हैंग कर रही है? ताकि जब हवा चले ये स्विंग कर पाए. It can swing when the wind comes. And what will happen when it swings? When it swings, it's going to cause anemophily. So, aapko dikha color nahi hai. It is, there is no color. See? There is no color. Isliye question exam mein jo aayega, wo aayega. It is anemophilous. It is anemophilous. Can you all see that? Mere pyare bachcho. Yes, everyone. And small unisexual or bisexual flowers होते हैं. छोटे 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 flowers. But there are no colors, there is no fragrance. That is why it is hanging, it is pendulous. So that it can do anemophily. Right? Aclypha hispida, this is this. Proserpis juliaphora, piper nigrum is a question which comes. Pepper. This is how exactly pepper hangs. Right? And this is how the pepper is formed. The flower is sessile. Look at this beautiful, beautiful flower. This is very, very, very common. Amorphophallus. Amorphophallus में तो longest inflorescence होती है. Colocasia. इसको कहते हैं anthurium. अभी मेरे सामने Google करो. एक और विंडो खोलो और वर्ड anthurium Google करो. चलो या peace lily Google करो. Peace lily. ये दोनों words Google करो अभी के अभी. Please करो. अभी के अभी ये दोनों वर्ड्स गूगल करो. बहुत बार एग्जाम में आते हैं. लॉन्गेस्ट इनफ्लोरेसेंस आती है अमॉर्फोफैलस. अगर किसी ने पढ़ा होगा, खाया होगा, कभी आपके घर में एक वेजिटेबल बना है जिसका नाम है जमीकंद. हैव यू एवर हैड इट? जिसका नाम है जमीकंद, दैट इज अमॉर्फोफैलस. टाइटेनम एरम भी कहा जाता है इसको. टी एरम. इट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इनफ्लोरेसेंस. टी एरम, जमीकंद, अमॉर्फोफैलस. Colocasia. Colocasia is arbi. Right? जो गले में चुभती है. Arbi. Colocasia. Cocos. Anthurium. Peace lily. ये सारे questions MCQs के हैं. All of these are very, very important questions of MCQs. Right, everyone? All of you must have had Zamikand, Arbi, Titanum, Arum, Anthurium, Peace Lily. So, इनमें आपको दिख रहा होगा, ये central axis है. दिख गया? Inflorescence ये है बेटा. ये inflorescence है, ये. Titanum, Arum में भी यही होती है. This is the inflorescence. और ये क्या है? What is this? It is the leaf. It's called the spatix and the spathe. Is it clear? तो ये क्या है? ये leaf है. Colored, बहुत सुंदर colored. इसका नाम है spathe. Red color का leaf.
और ये इनफ्लोरेसेंस है यूजुअली व्हाइट कलर की, तो व्हाई इज दिस लीफ कलर्ड, कौन बताएगा? ये इनफ्लोरेसेंस है तो इस लीफ को क्यों कलर कर दिया बताओ? व्हाई इज दिस लीफ कलर्ड? व्हाई, क्यों कलर्ड किया लीफ को? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, राइट भूषण? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, इस लीफ को कलर क्यों किया? देखो अगर सिर्फ ये होता ये तो कोई भी अट्रैक्ट नहीं होता इंसेक्ट. दिस इज कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर एंटोमोफिली. डिड यू अंडरस्टैंड? इट इज ब्राइटली कलर्ड इनफ्लोरेसेंस के नीचे, कॉल्ड द स्पेथ, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द स्पैडिक्स. Please remember the word spadix. Please remember the word spathe. Very, very, very important. दो words आपके memory bank में fit हो जाने चाहिए. एक word का नाम है spadix और एक word का नाम है spathe. And क्या मेरे सारे बच्चों ने एक like, share, subscribe कर दिया है? All of you, have you all made sure that you've liked, shared, subscribed? Ayush, मेरे प्यारे बच्चे, happy birthday! Ayush, morpho के बाद तो locomotion and movement होगा, right? Spandex and spate. So you have a morphophallus, you have colocasia, you have phoenix, cocos, all of these are examples. एक चीज और बता देती हूँ, अगर आपका इनफ्लोरेसेंस ये वाला है जैसे बताया गया, फीमेल फ्लावर्स आर टुवर्ड्स द बेस, मेल फ्लावर्स आर टुवर्ड्स द टिप. यहां पर ऐसा होता है, फीमेल फ्लावर्स टुवर्ड्स द बेस, मेल फ्लावर्स टुवर्ड्स द टिप. कूल एवरीबडी? यस, तो बना दो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मेरे बच्चों. और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले इस पे. ये रहा आम. अभी आम का सीजन खत्म हुआ है, सबने देखा होगा. यस, दिस इज मैग्निफेरा इंडिका. सबके सब बच्चों ने मैग्निफेरा इंडिका देखा होगा. ये देखो ऐसा, इट इज अ पैनिकल. मैग्निफेरा इंडिका इज अ पैनिकल. अंडरस्टूड? थैंक यू रिदा. अनिरुद्ध, मैं आपका तो रोज नाम लेती हूँ, अनिरुद्ध शर्मा जी है ना. आशीष मेहर, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. ब्रांच्ड रेसिन, देखो यहाँ पे बड है, बड हमेशा 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 टिप पे होगा और यहाँ पे नीचे तो कंप्लीट आपके फ्लावर्स है. सो ये देखिए, राइट, ये देखा, अच्छा ये सबने देखा है, मैंने फिर बहुत बार देखा है. नीम में ऐसा होता है, डेलोनिक्स रिजिया गुलमोहर, डेलोनिक्स केशिया फिस्टुला, डेलोनिक्स रिजिया, सब में ऐसा होता है. इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? तो अभी पूछ लीजिए, अभी के अभी पूछ लीजिए. यस, फेबियसी फैमिली का है डेलोनिक्स रिजिया. इज दैट क्लियर? रॉयल पॉइंसियाना भी कहते हैं, मैडागास्कर का प्लांट है, बहुत बहुत सुंदर होता है. करेक्ट एवरीबडी? चलिए तो इसी के साथ उम्बेल पढ़ लेते हैं. उम्बेल बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इसको टॉप से देख रहे हो, टॉप से देखो आप इसको, ये पता किसका है? कौन बताएगा ये क्या है? अनियन. देखा है कभी आपने? देखा है कभी? हैव यू सीन दिस अनियन? अनियन, अनियन, एलियम सीपा. इनफ्लोरेसेंस विद इनडेटरमिनेट सेंट्रल एक्सिस, बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा सेंट्रल एक्सिस, इनडेटरमिनेट, राइट? पर यहां पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्लावर्स के पास पेडिसल है, फ्लावर्स सेसाइल नहीं है. कैन यू सी दैट? द फ्लावर्स आर पेडिसिलेट, बट द मोस्ट ब्यूटिफुल पॉइंट इज कि वो एक पॉइंट से आ रहे हैं. They are all originating from a single point and then they are going towards all the directions. Ilium sepa, Centralella asiatica, Mericylon, Umbellatum, Umbel, 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 Umbel. Right, everybody? Ilium sepa, this is the most common example. Ek point se bikhar rahe, indeterminate hai, ugte hi chale jayenge. But the most important point is all of them are pedicillate. Commonest example which comes is Ilium sepa. अब ये देखो आ गया corymb. Now can you see the difference between the two? क्या आपको दोनों में difference नजर आ रहे? कौन मेरा बच्चा बताएगा मुझे? वहां पर देखो, top पे तो equal आ गए, top पे equal आ गए,
बट वहां पर दे वर ऑल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वन पॉइंट. इसमें दे आर ऑल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स, तो लेंथ ऑफ पेडिसल अलग अलग है. दे आर ऑल ओरिजिनेटिंग केसिपिलीना. यस, दे कम एट द सेम लेवल टू फॉर्म द कॉन्वेक्स और फ्लैट टॉप, बट दे आर कोई शॉर्ट पेडिसलेट है, कोई लॉन्ग पेडिसलेट है, बिकॉज ओरिजिन अलग अलग है. देख लो डिफरेंस, ये देखो सबका पेडिसल एक लेंथ का है. देखो सारा पेडिसल एक लेंथ का है, सारा पेडिसल अलग अलग लेंथ का है. कॉरिंग उम्बेल 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 अम्ब्रेला की तरह, अम्ब्रेला अम्ब्रेला ही फॉर्म हो रहा है उम्बेल, बट सारा पेडिसल एक लेंथ का है. लुक एट दिस पेडिसल कॉरिम्ब, सब अलग अलग लेंथ के. यस एवरी वन, दे आर ऑल ऑफ डिफरेंट लेंथ. सो विद दिस मैंने आज आपको पूरे का पूरा रेसिमोस कराया. डिड यू गेट इट? और हम बहुत स्लो एंड स्टेडी जाएंगे, बहुत स्लो एंड स्टेडी, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. सो कॉरिम एसिपेलिना, उम्बेल एलियम सीपा सेंट्रल एशियाटिका मेमिसाइल और उम्बेलेटम, थैंकल मैग्निफेरॉल नीम वेरोनिक्स रिजिया स्टैटिक स्पेथ कॉलोकेशिया अबॉर्फोफालस टाइटनोमेरम पीस लिली एंथोरियम पाइपर नाइग्रम कैटकिन कैटकिन स्पाइकलेट पैडी व्हीट बार्ले सॉर्गम. यस एवरीवन, पाइपर लॉन्गम इज स्पाइक. अब हम मूव करेंगे अपने मेंटी की तरफ. रेसिमोस एंड फ्लोरेसेंस मैंने आपको दोनों के बीच में डिफरेंस कराया. डोंट मिस द टॉपर बैच गाइज, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बैचेस दैट यू कैन, डोंट मिस इट. तो ये मैंने आपको पूरा कराया. अब हम बढ़ते हैं आगे और आ जाइए इनफ्लोरेसेंस के मेंटी क्विज पे. चलिए कोड लगा दीजिए 2665266. जल्दी बच्चों, आई एम वेटिंग. बेटा जीज starting in 5, starting in 4,
Starting 3-3-3-2-2-2-1-1-1. 1500 बच्चे थे आज क्लास में, आ क्यों नहीं रहे हैं? Yes, चलो 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 जल्दी. Starting question number one. Inflorescences. Yes, my dear Aisha. ये तो easy peasy lemon squeezy है. Excellent is bachcho. Yes everyone, inflorescence is arrangement of flowers on peduncle. Beta sare definite manner, systematic branches bearing flowers. Options kaun padega sare? Discount, discount, discount. Pulkit sir ko bolna padega, Pulkit sir digital pitai banao. Krishna Khani agent, agent X9. Shom Datta. Bless you, my dear child. Bless you. Aditri Himashika, Devanshi, Raina from Ludhiana. We have to meet Devansh. I keep coming to Ludhiana. Varsha, Anisur, same to you, my dear. Ananya, chalo agle sawal pe. Speed up, speed up, speed up. Chalo. The flowers and the racemos are arranged. Acrop. कौन है ये? नाम बताओ. क्या? कौन है ये? Acropetal. टिप पे बट नीचे बड़े flowers. चलिए. How nice to guess here. बहुत अच्छा शायरी लिखी आपने. So we have Akhani Arthur Rehan. Nice name. Tanya Bablin. Such a lovely name. Prachi One. Abdullah. Awesome. Iram Rafiq. Regular Bayatorian. Navneet. So sweet Navneet. रेहान भूषण लवली. चलिए अगले सवाल पे. ये रहा अगला सवाल यहां पर. चलो A racemos inflorescence with sessile acropetal flowers is called spike corym umbel raceme. Spike. Yo. Akhani, Atha, Tanya, Abdullah, Prachi, Meghali, Rashi, Bill, Aditri, Madhumita. Awesome names. New kids. Mere bachcho. Awesome. Question number 4 or 5. Deepthi, we are doing it in the evening. Yashasvi. All of these, catkin, mulberry, mulberry is also like this, julifolia is also like this. ये तो मैंने आपको फोटो दिखाई थी हरा हरा.
मैं तो बल्कि कहने वाली थी पर मैंने कहा थोड़ा आपको एटलीस्ट एक क्विज में थोड़ा कंफ्यूज भी तो किया जाए. एजेंट वन राजिता राशि मेघाली प्राची तान्या अब्दुल्ला आधा एंड अखानी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्रैक. एक का नाम स्पेडिक्स है तो दूसरे का नाम क्या था मैंने बताया. और बच्चों जो भी डाउट्स है ना टेलीग्राम पे पूछ लेना. चलो called the spade. So we have Akhani, Atha, Abdullah, Prachi, Megali, Rashi, Tanya, Khushia, metal seat fixed for 2021 and Yaksha, you have such a beautiful name. Akhani Krishna, awesome, everybody, very well done. So this is Inflorescence part 1. We're going to meet in the evening, sharp at 5 o'clock into Nova System. Super awesome. Don't you miss that. See you in the evening. Don't forget to like, share, subscribe and become a part of We Biotonic. Till then, take care. This is Dr. Vani on behalf of Vedanta Biotonic signing off for the day. Ta-da. Bye. Toggle badge ko homework milega on Telegram.